अलीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं धोखाधड़ी जालसाजी से धन अर्जित करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन 420 के क्रम में पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम ने सर्विलांस और स्वाट टीमों की मदद से एक घटना का अनावरण किया। पुलिस टीम ने अभियुक्त ड्राइवर सुलह सिंह को बरौला पुल से थोड़ा पहले गिरफ्तार कर लिया। जिससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने जुर्म कबूल कर लिया, खाद को अलग अलग स्थानों पर उतारना बताया। इसमें इसके साथ ड्राइवर पूरन और जुगल किशोर भी शामिल थे। पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए ग्राम तरेची से अभियुक्त प्रेमपाल पुत्र हजारी लाल को पाली मुकिमपुर जनपद अलीगढ़ से 265 बोरे घेर पर बने गोदाम से बरामद किए गए। अभियुक्त अमर सिंह पुत्र होती सिंह इसके घर से भी 80 खाद के बोरे बरामद किए गए हैं, वहीं 150 खाद के बोरे भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त सुलह सिंह ने पूछताछ पर बताया कि 15 दिन पूर्व पूरन ने खाद बेचने की योजना बनाई थी और जिसको ट्रक में भरकर वो अतरौली चौराहे पर लेकर पहुंचा था। प्रेमपाल ने 3,50,000 रुपए में जुगल किशोर से सौदा किया। जुगल किशोर को 1,00,000 रुपए दे दिए थे जो उसी के पास हैं। जुगल किशोर व पूरन की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं, शीघ्र ही गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। 24 तारीख को थाना बन्ना देवी स्थित बांकीलाल प्रोप्राइटर्स द्वारा ये सूचना दी गई थी कि इनके यहाँ पर एक ट्रक जो कि जिसका नंबर UP81 AF 8781 था, ये 500 बोरी DAP लेके निकला था और जो अपनी डेस्टिनेशन जहाँ पाली मुकिमपुर पे जाना था वहाँ पहुँचा नहीं था। इस संबंध में पुलिस द्वारा 495 कट्टे बरामद किए गए हैं और इसमें अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं जिनके नाम है सुलह सिंह पुत्र रसकलाल जो ट्रक चला रहा था, प्रेमपाल पुत्र हजारी लाल, अमर सिंह पुत्र होती सिंह और भूप सिंह पुत्र रामजी लाल जो कि पूरा माल अपने पास छुपा रखे थे। इन सभी ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रक से माल उतरवाया तथा उसको महंगे दामों में बेचने के लिए अपने घरों में छुपा के रखा था। इसमें दो अन्य अभियुक्त जिनका नाम है पूरन सिंह और जुगेंद्र, ये दोनों अभी वांछित हैं, जिनको भी शीघ्र गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई प्रचलित की जाएगी। जिस तरीके से DAP की ब्लैक हो रही है उसको देखते हुए उन्होंने ये प्लान किया था क्या? जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो ट्रक चालक है और दो ट्रक चालक है पूरन सिंह और ये सुलह सिंह और ये जो प्रेमपाल है इसकी DAP की दुकान है यहाँ पे, तो उन्होंने आपस में ये पूरी साजिश इसलिए रचाई ताकि DAP प्राप्त करके इसको महंगे दामों पे ही बेच सकें। बरामदगी सर किस तरीके से रही है? बरामदगी जैसे कि बताया गया सुलह सिंह ट्रक ड्राइवर था, इसको पकड़ा गया और उसके बाद जो बाकी अभियुक्तों को पकड़ के उनकी निशानदेही पे इनके घरों से जिसमें प्रेमपाल, अमर सिंह और भूप सिंह इनके घरों से 495 कट्टे टोटल फुल बरामद किए। ठीक है सर, पूर्व में भी इस तरीके की घटनाएं में अंजाम दिया है कोई? अभी तक जो पूछताछ में इस प्रकार का कोई पूर्व इनका आपराधिक इतिहास नहीं प्राप्त हुआ है और अभी और इनसे पूछताछ करने पर